अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तामिनी जी के घर का पता इस बैग में है, मुझे बचाना होगा। दादू आगे खोलो, दादू आपको कुछ नहीं होगा, आप तो मेरे साथ रहोगे ना, आपको रहना है मेरे साथ दादू। अब ये तेरे साथ रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तेरा साथ दे पाऊंगा मेरी बच्ची। दादू आप ऐसे मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे। वो मुझे नहीं पता था कि पापा तेरे लिए इतना मुश्किल रास्ता चुनेंगे, पर इतना जरूर कहता हूँ कि तेरे लिए कुछ तो बड़ा सा सोच रखा है, और फिर बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुझे अब मजबूत बनना जरूरी है। अपने दादू के एक बार याद रखना मेरी बच्ची, कभी कहीं किसी को अपनी सच्चाई ना बताना, जब तक तुझे इस बच्चे के बाप का पता ना चल जाए। सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। सिर्फ इस बार मैं तुझे झूठ बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। दादू आप ऐसे मत बोलो ना, आप ठीक हो जाओगे। आरु तो वो गाना सुना दे, गांव में मेरे लिए गाती थी, वो गाना सुना दे। मेरे पास वक्त कम है आरु, वो गाना सुना दे मेरी बच्ची। सुख प्रेम माझे देते तुलारी, घी वचन लिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ये अनाथ बच्ची को आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए योग्य वर और अच्छा घर आपको ढूंढना ही होगा। ढूंढना ही होगा।
सुख प्रेम माझे देते तुलारी घेऊ न जातो सर्वस्व माझे जग सो कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे लगता है अभी बोल पड़ेगी। ये गाना कौन गा रहा है? बिटिया है हमारी, जिस मूर्ति को तुम बोल रही हो ना कि बहुत सुंदर है, ये उसी ने बनाई है। और ये जितने भी सुंदर दिए हैं ये सब भी उसी की कारीगरी है। हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी है, उसी के हुनर को देख के तो हमने इस बार दिवाली की दुकान लगाई है। इतनी सजीव मूर्ति ना लूंगी तो पाप लगेगा, पर इसकी तुम्हें 100 रुपए ही दूंगी। 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। काकी तू रुक, इतना महंगा? अभी तुमने ही तो बोला इतनी सजीव मूर्ति है। अरे पूरे बदायूं में नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति तुम्हें। माता रानी की आंखें तो देखो, ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी माता जी। अब इतनी सुंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के लिए कुछ लक्ष्मी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। काकी, दर्जन भर दिए और 5 मूर्तियां भी बन गई हैं, और उसके साथ साथ में खाना भी बन गया है। तो काका और काकी आप दोनों भी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। भैया, हाई कोर्ट का बिटिया का आदेश आ गया है, अभी दुकान दोपहर को बंद रहेगी। अभी आप सब लोग शाम को 4 बजे आना चाय पीने के लिए, ठीक है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आजा 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 आजा, खाना खाएंगे। हमारी बिटिया ने खाना बनाया हमारे लिए। देखो ना, मुरली वाले की लीला भी कितनी अपरंपार है। हम जवानी में सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तरसते रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में भगवान ने हमें बेटी के साथ साथ में एक नवासा भी दे दी। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब बिटिया तो जो है सो है, पर हमारा मन तो बस हमारे नवासे में अटका रहता है। मैं तो सच्ची में खाने का स्वाद ही भूल गया था कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। जैसे हमने इन्हें सारी जिंदगी घास फूस खिलाया। बिटिया, ये गाना जो तुम विनायक के लिए गाती हो ना, अब समझ तो किसी को नहीं आता, लेकिन सबको बहुत मीठा लगता है। काकी, ये गाना हमारे गांव का है। मेरे दादू बताते हैं कि ये गाना मेरे बाबा गाया करते थे मेरे लिए, और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं मेरे दादू के लिए गाती थी। ये गाना ना मुझे मेरे गांव और मेरे दादू से जोड़ता है, और अब देखिए ना, अभी विनायक भी इस गाने से जुड़ गया है। अरे मैं तो भूल गई थी। ई लो तुम्हारे 100 रुपए। ये आप क्या कर रही हैं काकी? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे मूर्ति बेच के 200 रुपए मिले ना, तो 100 तुम्हारे 100 मेरे। लेकिन काकी, आपने मूर्ति कितनी महंगी बेची है। बेटा, कला का कोई मोल नहीं होता, और महंगाई भी तो देखो कितनी है। ये अपने दम पे एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है, जितने भी पैसे मिले उतने कम है। रख लो बेटा, रख लो। सही कहते थे दादू, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पर आज आपकी सिखाई हुई कला की वजह से ही मैं इस दुनिया में अपना सर उठाकर जी पा रही हूँ। आपकी और पापा की दया से मैं अपने विनायक की भी देखभाल कर पा रही हूँ।
और ये 220 रुपए, अब इसमें तो मेरी विनायक के लिए झुनझुना भी आ जाएगा। एक बड़ी बहन का तोहफा मांगकर रख लो, मेरा कंगन तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे बच्चे के पास भी रहेगा, उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने उस काली रात में स्टेशन पर आपका पता खो दिया था, सिर्फ शहर का नाम का पहला अक्षर याद है बी, इसलिए आप बदायूं में रुक गई। मैं यहाँ कंगन में लिखे के ए ज्वेलर्स को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक तो नहीं मिला मुझे। जिस दिन मुझे वो ज्वेलर मिल जाएगा, शायद उसी दिन विनायक को अपना घर भी मिल जाएगा और उसके पापा भी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।